इस डल बेजान मॉर्निंग फेस से एक खिलखिलाते तरोताज़ा फेस तक की कहानी आइए शुरू करते हैं। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ एंजल सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक हियर अगेन। वेल, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो मॉर्निंग के फेस की डलनेस को दूर भगाने के लिए आज मैं दो स्टेप प्रोसेस मैजिकल फेस पैक लेकर आई हूँ, जिसको कि आपको एक बार लगाना है और आपको इंस्टेंट लाइव रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको रोज़ वाटर लेना है, एक कॉटन का पैड लेना है और उस रोज़ वाटर को अपने फेस पर डैब करना। ये आपके फेस को अपलिफ्ट करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, किसी भी तरह के स्किन टोन को बैलेंस कर, एंटी एजिंग का काम करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, रेडनेस रिड्यूस करता है, कि ये कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एक रोज़ वाटर लगाने से मिल जाएंगी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो, द वेरी फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। और अब हम आते हैं स्टेप टू पर, जिसके अंदर हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर वन इज़ एलोवेरा जेल, देन सेकंड इज़ यस कॉफ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एंड द लास्ट वन इज़, विच इज़ ऑप्शनल, अगेन आप चाहें तो लगाएं, आप चाहें तो ना लगाएं, इज़ योर लेमन जूस। ये तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट एवरी घर में आपको मिल जाएंगी, तो ये तीनों की तीनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो लेमन है उसके सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स ही आपको लेने हैं, और कॉफ़ी हमेशा क्वांटिटी में ज़्यादा रखेंगे। जो एलोवेरा जेल है उसको हमेशा 50% की रेशो में रखेंगे। तो अगर एक चम्मच आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो आधा चम्मच आप एलोवेरा जेल लेंगे, ठीक है। ये क्वांटिटी में आपको ये पेस्ट रेडी कर लेना है। और अब आती है इसकी एप्लीकेशन की बारी। तो यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आपने जो रोज़ वाटर लगाया था उसको वॉश ऑफ नहीं करना है, उसी के ऊपर आप ये फेस पैक जो है वो लगाएंगे। दूसरी बात ये, इसको मल्टीपल लेयर्स लगानी है आपको फेस पे, तो ये आपको कम से कम 15 to 20 मिनट्स इसको लगाने के बाद वेट करना है। जब ये सूख जाएगा, जब ये ड्राई ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आप सेकेंड लेयर लगाएंगे, फिर वो सूख जाएगा, और अगर तब भी आपके पास फेस पैक बचा है तो थर्ड लेयर आपको लगानी है। उसका एक रीजन है। कॉफी या एलोवेरा जेल, इवन लेमन जूस, ये तीनों की तीनों चीजों को लेयर्स में हमें स्किन में डीपली हाइड्रेट कराने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो आपको 5 मिनट लगा के इसको तुरंत के तुरंत वॉश ऑफ नहीं कर देना है। जैसे सूख जाए आप फिर एक लेयर लगा लीजिए, फिर सूख जाए फिर एक लेयर लगा लीजिए। ये राइट तरीका है मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का इस फेस मास्क को। एक बार आप लगा के देखिए, आपको रिजल्ट इतने अच्छे मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। नाउ इसमें कॉफ़ी जो है वो स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, लेमन स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, और उसके साथ साथ एलोवेरा जेल जो है वो आपकी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। तीनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन व्हेन इट कम्स डाउन टू स्किन ब्राइटनिंग। सो ये तीनों चीज़ें आपके स्किन को फेयर करेगी, स्किन के अंदर जान लेके आएगी, कितना ही पफीनेस हो फेस पे उसको रिड्यूस करेगी, और जो आपका फेस है वो इतना ज़्यादा शाइन करेगा, आप अभी देखेंगे फाइनल रिजल्ट के दौरान। सो राइट नाउ आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, बिकॉज यस ऑफ कोर्स माय स्किन इज फीलिंग सो रिफ्रेशिंग राइट नाउ। इट्स सुपर नो डाउट। और सबसे आपको खुद ही लग रहा होगा पूरा चेहरा ना एकदम जान सी आ गई है फेस पे। तो यस इट वर्क्स एंड इट वर्क्स लाइक अमेजिंग। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा काम करेगा। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है फेस पे बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज, यू कैन ऑलवेज ट्राई रोज़ वाटर आफ्टर दिस, और अदरवाइज आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट 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 सुपर्ब फेस मास्क, जो कि इंस्टेंटली लगाया और मॉर्निंग ग्लो के लिए कितना अच्छा है। लुक एट दैट। सो दिस इज़ हाउ माई फेस इज़ लुकिंग राइट नाउ, एंड नॉट जस्ट इट फील्स अमेजिंग, इट लुक्स अमेजिंग एज वेल। आपको दिख रहा होगा कि फेस कितना चमकदार हो गया है। सो यस, कॉफ़ी इज़ ऑलवेज माई फेवरेट, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ कि आप उसको
कंज्यूम करने के साथ साथ उसको लगा भी सकते हैं, चाहे वो बालों की बात हो चाहे वो स्किन की बात हो. एंड लुक 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 हाउ नाइस माई स्किन इज लुकिंग. इट्स लाइक आई हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग, नॉट इवन मॉइस्चराइजर, बट उसके बाद भी कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है फेस पे. आई विश कैमरा बहुत अच्छे से कैच कर पाता, बट मैं इस समय नेचुरल लाइट में खड़ी हूँ ताकि आपको पता लगे कि रियलिटी में कितना ज़्यादा फेस पे चमक आ गई है. सो यू कैन सी 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 यू कैन सी कितनी शाइन आ रही है फेस पे. सो येस, दिस मास्क वर्क्स अमेजिंग. इन केस इफ यू वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई, आई वुड से जस्ट गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट वंस अ वीक. एक बार तो आप ज़रूर लगा के देखा. येस, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. In case you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel. I come up with lots and lots of experimented face masks, and जो भी मेरे साथ काम करता है ना वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ. तो yes, keep on subscribing, keep on liking my videos, keep on sharing and commenting down below. I would be meeting you very, very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself and do not forget, you are beautiful, stay beautiful and be beautiful. God bless you, bye.